नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डेली यूज इंग्लिश सेंटेंस डिस्कस करने जा रहे हैं, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला सेंटेंस है, लड़ाई मत करो, है ना, लड़ाई मत करो। तो इसको बोलेंगे हम डोंट फाइट। क्या बोलेंगे? डोंट फाइट। नेक्स्ट है, तुम कौन हो, है ना, ये सवाल हम पूछते हैं जब भी हम अगले को नहीं पहचान रहे होते हैं तो, है ना। जैसे हम कहीं घूमने गए हैं या कहीं पे भी हमें कोई ऐसा इंसान मिल गया हो जिसको हम नहीं जानते हो, तो हम उससे पूछते हैं ना तुम कौन हो, तो क्या बोलेंगे उसे, हु आर यू, ना, हु आर यू। नेक्स्ट है, कोई है क्या, है ना, कोई है क्या। इस सेंटेंस को भी हम काफ़ी बार यूज करते हैं, है ना, तो इसको बोलेंगे इज समवन देयर, है ना, क्या बोलेंगे, इज समवन देयर। नेक्स्ट सेंटेंस है दोस्तों, आप कब आए, है ना। मान लीजिए हम घर से बाहर हैं और हमारे घर पे कोई रिलेटिव आ गए, है ना, तो जब हम आते हैं हमें पता नहीं होता है कि वो आने वाले हैं, तो हमारे लिए वो थोड़ा सरप्राइज होता है, तो हम पूछते हैं ना कि अंकल आप कब आएँ, या जो भी हमारे रिलेटिव आए होते हैं तो हम उनसे पूछते हैं कि आप कब आएँ, तो उसे क्या बोलेंगे, व्हेन डिड यू कम। आप कब आएँ को क्या बोलेंगे, व्हेन डिड यू कम। नेक्स्ट है, तुम क्या चाहते हो, है ना, तुम क्या चाहते हो, तो उसको बोलेंगे व्हाट डू यू वांट। क्या बोलेंगे, व्हाट डू यू वांट। दोस्तों, चैनल पे प्लेलिस्ट बना दिया गया है इंग्लिश वोकैबुलरी के नाम से, तो वहाँ पे आपको इंग्लिश वर्ड मीनिंग के भी वीडियो मिलेंगे और इंग्लिश डेली यूज इंग्लिश सेंटेंस के भी वीडियो मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, क्लिक करें आप लिंक को और प्लेलिस्ट ओपन करके सारे वीडियो जरूर से ज़रूर देखिए। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह तुम्हारे जैसी दिखती है, है ना, वह तुम्हारे जैसी दिखती है, तो उसको बोलेंगे सी लुक्स लाइक यू, सी लुक्स लाइक यू। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, है ना, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो उसको बोलेंगे मे आई कम इन। दोस्तों, स्कूल लाइफ में इस सेंटेंस को हम एक दिन में कम से कम 10 बार भी बोलते होंगे, है ना। अब पूरा स्कूल लाइफ तो हम गेट पे खड़े होकर ही बोलते हैं, जब हमको मतलब क्लासरूम में आना होता है और टीचर पढ़ा रही होती हैं तो हम बोलते हैं ना मैम मे आई कम इन, है ना, तो मे आई कम इन का मतलब होता है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। और दोस्तों, इस सेंटेंस को आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, है ना, ऑफिस में गए हैं, स्कूल में है, कॉलेज में, है ना, बहुत ही एक हम्बल रिक्वेस्ट होता है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो उसको बोलेंगे मे आई कम इन। नेक्स्ट है, तुम खड़े क्यों हो, है ना, आपके आसपास कोई खड़ा है उसे आप पूछ सकते हैं तुम खड़े क्यों हो, तो उसको क्या बोलेंगे, वाई आर यू स्टैंडिंग, वाई आर यू स्टैंडिंग। नेक्स्ट है, अब मैं कुछ बोलूं, है ना, कहीं डिस्कशन चल रहा हो और आप भी अपने विचार को प्रस्तुत करना चाहते हैं, अपना ओपिनियन देना चाहते हैं, तो उसको बोलेंगे मे आई से समथिंग नाउ, मे आई से समथिंग नाउ। नेक्स्ट है दोस्तों, आज छुट्टी है, है ना, तो आज छुट्टी को क्या बोलेंगे, टुडे इज होलीडे, क्या बोलेंगे, टुडे इज होलीडे। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को। चैनल को दोस्तों अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को आप ऑन कर लीजिए ताकि आप एक भी वीडियो को मिस ना कर पाएँ और सारे वीडियो आपको टाइम पर मिल सके। तो दोस्तों, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।